अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त, मैं हूँ आपका भाई अदील फैयासी। आप इस मलबे के ढेर को देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली मलबे का ढेर नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन की एक मशहूर जगह गाज़ा, वहाँ की मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान के मलबे का ढेर है। और उस मस्जिद की तस्वीर आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये गाज़ा की मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको देखें, कितनी खूबसूरती के साथ इस मस्जिद को तामीर किया गया। और तकरीबन 600 साल पुरानी ये गाज़ा की मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान है। आप इसको देखें और फिर नीचे मलबे के ढेर को देखें। इस मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान को इसराइलियों के ज़रिए इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि रज़ा अकेडमी के बानी अलहाज कायद मिल्लत जनाब अलहाज सईद नूरी साहिब क़िबला और आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर हज़रत अल्लामा सैयद मुईनुद्दीन उर्फ मुईन मियां अशरफ़ील जीलानी साहिब क़िबला ने आवाज़ उठाई है। और आज जुमा की नमाज़ में दुआ भी की गई और दुआ का एक प्रोग्राम भी किया गया और दुआओं का एहतमाम भी किया गया। पूरी ख़बर क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इस ख़बर को देखें और अपने भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। खबर ये है के दो टांकी ईदगाह मैदान सुन्नी मस्जिद बिलाल में बाद नमाज जुमा गाज़ा में मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान की शहादत, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी, अहले फ़लस्तीन के तहफ़ुज़ो कामयाबी के लिए एक दुआया प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें मुसल्लियाने मस्जिद के अलावा काफ़ी लोगों ने शिरकत की। इस दुआया प्रोग्राम में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुईनुद्दीन अशरफ अशरफ़ील जीलानी साहिब क़िबला सज्जादा खानकाह आलिया किछोचा मुकद्दसा सदर आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने ज़ालिम इसराइली के ज़ुल्म व सितम से निजात के लिए रिक़त अंगेज़ दुआ की। दुआया प्रोग्राम में आपने कहा कि 600 साल मस्जिद की शहादत से एक बार फिर आलम इस्लाम की ईमानी जज्बात को ठेस पहुँची है। दुआ मोमिनों के लिए हथियार है, अहले ईमान जगह जगह दुआया प्रोग्राम का अहतमाम करें और रब की बारगाह में ज़ालिम इसराइल की नीस्त व नाबूदी के लिए दुआ करें। रज़ा अकेडमी के बानी और आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के नायब सदर अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मसाजिद और इबादतगाहों को मुनहदिम करना ज़ालिम इसराइलियों ने अपना मकसद बना लिया है। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी बेघर हुए, शहीद हुए, औरतें बेवा हुईं, बच्चे यतीम हुए। इसके बावजूद ज़ालिम इसराइल जंग ना बंद करने पर अड़े हुए हैं, ये उनके ज़ुल्म व सितम का बय्यिन सबूत है। इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी तमाशाई बने हुए हैं। अब मसाजिद की शहादत पर ज़बान खोलने की सख्त ज़रूरत है। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वामे मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करें। आपने आखिर में कहा कि उलमा और अइम्मा को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआया प्रोग्रामों का अहतमाम करके मकामात मुक़दसा की हिफाजत के लिए दुआ करें। इस मौके पर कसीर तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने जमा होकर अपनी अपनी दीनी और मिल्ली हमीयत और फ़लस्तीनियों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया। ये पूरी खबर थी और आप देखें कि इस मस्जिद को, ये मस्जिद फ़लस्तीन की जो मशहूर जगह है गाज़ा, वहाँ की मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान है। कितनी खूबसूरत मस्जिद और तकरीबन 600 साल पुरानी इस मस्जिद को इसराइलियों ने शहीद कर दिया है। आप कुछ कहना चाहते हैं, इजहार ख्याल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि रज़ा अकेडमी के बानी कायद मिल्लत अलहाज सईद नूरी साहिब क़िबला और आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर हज़रत अल्लामा सैयद मुईनुद्दीन अशरफ अशरफ़ील जीलानी साहिब क़िबला, इन दोनों शख्सियात को अल्लाह पाक सलामत रखे, शादो आबाद रखे, इनकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सैयदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।